कल हमने किया था कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि कब मैक्सिमा बनता है और कब मिनिमा बनता है। मैक्सिमा बनने का मीनिंग क्या है? मैक्सिमा बनने का मीनिंग है कि दो वेव्स का आपस में इस तरह सुपर इम्पोज होना कि पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिल जाए और दूसरी वेव का पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से मिल जाए, ट्रफ से ट्रफ और क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाए, करेक्ट। अब पहली वेव का एम्पलीट्यूड है A1 और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड है A2। दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? A2। दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, दोनों के सुपरपोजिशन से एक नई वेव क्रिएट हो जाती है, एक नई वेव क्रिएट हो गई जिसका कि एम्पलीट्यूड कितना बन जाता है? A1 प्लस A2। अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट, इस पूरी वेव का नेट एम्पलीट्यूड कितना बन गया? नेट एम्पलीट्यूड बन गया A1 प्लस A2। और ये कहाँ हुआ, ये कंडीशन कहाँ बनी है? ये कंडीशन बनी है वहाँ जहाँ मैक्सिमा बनने की कंडीशंस फुलफिल हो गई, मैक्सिमा बनने की कंडीशन फुलफिल हो गई। मैक्सिमा बनने की क्या कंडीशन है? कि फेज डिफरेंस ज़ीरो हो या टू पाई हो या फोर पाई हो एंड सो ऑन, या फिर पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो, लैम्डा हो, टू लैम्डा हो, ओके, या थ्री लैम्डा हो एंड सो ऑन। और यहाँ कौन सा इंटरफेरेंस हुआ है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मैक्सिमा बना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मैक्सिमा बना कब? जबकि मैक्सिमा बनने की कंडीशंस फुलफिल हो गई, ठीक है। इसके साथ हमने पढ़ा क्या चीज़? फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा में एक वेव दूसरी वेव के साथ में सुपर इम्पोज करती है लेकिन अपोजिट फेस में। यहाँ कैसा सुपर पोजिशन है? यहाँ सुपर पोजिशन है इन सेम फेस, दोनों सेम फेस में है, जहाँ पहली वाली वेव का क्रेस्ट है वहीं दूसरी वाली वेव का भी क्रेस्ट है, लेकिन जब दोनों दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर जाएं अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज करने का मीनिंग कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के सामने आ गया, दूसरी वेव का क्रेस्ट पहली वाली वेव के ट्रफ के सामने आ गया। अब एक वेव ने डिस्प्लेसमेंट दिया है ए वन और दूसरी वेव ने अपोजिट डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना? A2। ये मीडियम है, ये मीडियम के पार्टिकल, एक वेव तो चाहती है कि इसे ऊपर लेके जाऊं, कितना ऊपर ले जाऊं? A1। दूसरी वेव चाहती है इसे नीचे ले जाऊं, कितना नीचे ले जाऊं? A2। तो फिर अल्टीमेटली दो जगह तो पॉसिबल नहीं है इसका होना, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा पार्टिकल? दोनों के डिफरेंस के इक्वल जाएगा और ये नई वेव बन गई है, और ये एक नई वेव बन गई। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा A2 माइनस A1 बन गया। ये कब होगा? जबकि आपके दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच का फेस डिफरेंस पाई हो, थ्री पाई हो, फाइव पाई हो, सेवन, या फिर पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा बाई टू हो, पाथ डिफरेंस dx लैम्डा बाई टू हो, या थ्री लैम्डा बाई टू हो, या फाइव लैम्डा बाई टू हो, इस तरह से। और किस तरह का इंटरफेरेंस है? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और कब होता है? जब दोनों वेव्स एक दूसरे को अपोजिट फेस में मिलेंगी, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव, किसी भी वेव की इंटेंसिटी ऑफ वेव I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जहां एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण यहाँ इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण एम्पलीट्यूड, ओवरऑल एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी कहीं इंक्रीज हो गई, कहीं डिक्रीज हो गई। कल वाले डायग्राम पर आते हैं, ये हमने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया था कि दो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज से चलने वाली वेव्स किसी एक पॉइंट पर तो जीरो पार्ट डिफरेंस से मीट कर रही हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, मैक्सिमा। कहीं अपोजिट फेस में मीट कर रही हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा, मिनिमा बनेगा। फिर से सेम फेस में आ गई, क्यों, क्योंकि पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली वन लैम्डा हो गया पाथ डिफरेंस, तो फिर क्या बनेगा है, मैक्सिमा। जहां मैक्सिमा वहां इंटेंसिटी ज्यादा हुई, जहां मिनिमा वहां इंटेंसिटी कम हुई। फिर इंटेंसिटी कहीं ज्यादा है, कहीं इंटेंसिटी कम है। दो वेव्स के सुपर पोजिशन होने से सोर्सेस के सामने मीडियम में कहीं इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, कहीं तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और कहीं इंटेंसिटी वेव की कम हो गई। सुपरपोजिशन से दो सोर्सेस हैं आपके, दो सोर्सेस से वेव चली, यही दो हमारे कॉलम रखे हुए, इन दो कॉलम से साउंड वेव चल रही है। कहीं किसी पॉइंट पर बैठे हुए को तो आवाज जरूरत से ज्यादा तेज सुनाई दे रही है, कहीं दूसरी लोकेशन पर बैठे हुए आप में से किसी को आवाज कुछ कम सुनाई दे रही है। कारण कि दोनों वेव्स पहुंच रही हैं एक साथ दो अलग अलग सोर्सेज से। अगर आप बैठे हुए हैं उस पॉइंट पर जहां बन रहा है मैक्सिमा, तो आपको आवाज बहुत तेज सुनाई देगी, आपको लगेगा सर ने आज तो बहुत तेज साउंड खोल रखी है। और बाय द वे आप ऐसी पोजीशन पर बैठ गए यहाँ हॉल में जहां दोनों वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मीट कर रही थी, वहां इंटेंसिटी कम हो गई, आपको लगेगा कि आज तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। कहीं इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, कहीं इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहीं एनर्जी कम हो गई, कहीं एनर्जी किसी दूसरे पॉइंट पर एनर्जी इंक्रीज हो गई। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और एनर्जी का ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ टू वेव्स, टू आइडेंटिकल वेव्स। यहां ये बात हमें ध्यान रखनी है, आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए दोनों। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन विद अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। फेस डिफरेंस कॉन्स्टेंट का मतलब, फेस डिफरेंस कॉन्स्टेंट का मीनिंग, यहां यहां इस पहले वाले पॉइंट पर फेस डिफरेंस जीरो है, जो भी है वो जीरो है तो जीरो ही बना रहे। यहां फेस डिफरेंस है पाई, मिनिमा बन रहा है, पाई बन रहा है, तो यहां फेज डिफरेंस पाई है, ये फेज डिफरेंस पाई ही बना रहे। ऐसा ना हो कि अभी तो पॉइंट P1 पर फेज डिफरेंस पाई था, फिर 2 पाई हो गया, फिर 5 पाई हो गया, फिर हाफ पाई हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, ना ऐसे ही बना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना रहना चाहिए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ टू वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन having a constant phase difference between them is called interference. Redistribution of energy of two identical waves traveling in same medium along same straight line with a constant phase difference is called interference. Interference की definition exam में बहुत बार पूछी जा चुकी, बहुत बार। दो वेव्स हैं सेम मीडियम में चल रही हैं और एक ही लाइन पर चल रही है, पहली वेव भी यही है, दूसरी वेव भी यही चल रही है, एक ही लाइन पर चल रही है, आइडेंटिकल वेव्स हैं दोनों, सेम डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट में नहीं है। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन वाले कंडीशंस बदल जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, दे आर मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों के बीच एक कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बना हुआ है। तो क्या होगा,
तो होगा ये कि दोनों सोर्स के सामने मीडियम के डिफरेंट पॉइंट्स पर कहीं एनर्जी बढ़ जाएगी, कहीं एनर्जी घट जाएगी, कहीं इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कहीं इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी का ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता है इंटरफेरेंस। समझ आई बात? इसे लिखें तो नहीं, शायद लिखे तो नहीं, सब लिखा हुआ है आपके पास, रिवाइज कर रहे हैं। अब एक वर्ड हम बार बार यूज करते हैं इंटरफेरेंस के केस में, एक वर्ड हम यूज करते हैं बार बार, इंटरफेरेंस। लेकिन कैसा इंटरफेरेंस? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब इस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है? सस्टेन्ड वर्ड लग गया तो क्या मीनिंग है? हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत कम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं एक्सपीरियंस। अक्सर तो इंटरफेरेंस हमें पता नहीं लग पाता, अक्सर तो ऐसा होता है कि इंटरफेरेंस हो रहा है और वो इंटरफेरेंस में चेंज ऑफ इंटेंसिटी इतनी कम है कि हम अक्सर उसको फील नहीं कर पाते, कभी कभार फील हो भी जाता है। हम अक्सर फील क्यों नहीं कर पाते और कभी कभार ही फील क्यों कर पाते हैं? बारिश तो बरसात के मौसम में अक्सर होती है, धूप भी होती है, बादल भी होते हैं, लेकिन रेनबो तो हर दिन नहीं निकलता, रेनबो तो हर दिन नहीं निकलता ना, रेनबो तो किसी किसी दिन निकलता है, साल में एक दो दिन, दो चार दिन की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि रेनबो की कंडीशन बनने के लिए, रेनबो बनने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो कंडीशंस कभी कभार ही फुलफिल हो पाती हैं। जो कंडीशन चाहिए रेनबो बनने के लिए वो एकाध किसी दिन ही फुलफिल हो पाती हैं। ठीक ऐसे ही इंटरफेरेंस अक्सर होता है। यहाँ धूप आ रही है हमारे चारों तरफ बाहर खिड़कियों से, ये डिफरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, यहाँ भी इंटरफेरेंस हो रहा है लेकिन वो हम फील नहीं कर पा रहे। फील इसलिए नहीं कर पा रहे कि जो भी वो इंटरफेरेंस हो रहा है ये इंटरफेरेंस सस्टेन्ड नहीं है। इंटरफेरेंस तो हो रहा है यहाँ लेकिन ये सस्टेन्ड नहीं है। सस्टेन्ड का मतलब टिकाऊ नहीं है, टिक नहीं पा रहा। अब टिक नहीं पा रहा, सस्टेन्ड नहीं हो पा रहा, इसका मीनिंग क्या है? आपके सामने यहाँ दो कॉलम रखे हुए हैं, दो साउंड सोर्सेज रखे हुए हैं इस हॉल में इस टाइम, ठीक है? दोनों सोर्सेज से निकल करके, दोनों ही कॉलम से निकल करके साउंड आपके पास पहुंच रही है, करेक्ट? अगर बाय द वे आप इस पॉइंट पर आकर बैठ गए, बाय द वे, तो यहां आपके कानों तक पहुंचने वाली दोनों वेव्स के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और आपको आवाज बहुत तेज सुनाई देगी। अगर बाय द वे आप इस वाले पॉइंट पर कहीं आकर बैठ गए तो यहां पहुंचने वाली दोनों वेव्स के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अपोजिट फेस में मिलेंगी और आपको आवाज कम सुनाई देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये कंडीशन, मैक्सिमा बनने की कंडीशन, मिनिमा बनने की कंडीशन टिक नहीं पा रही। हो सकता है आप में से कोई इस टाइम मैक्सिमा बनने वाली लोकेशन पर बैठा हो, लेकिन मैक्सिमा बना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, वो कंडीशंस फुलफिल हुई और फिर खत्म हो गई। हमारे एयर का टेम्परेचर लगातार बदल रहा है, यहाँ टेम्परेचर फिक्स नहीं है, एयर का हल्का फुल्का फ्लो भी है, हमारी सबकी बॉडी से हीट निकल रही है, ये सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं हमारे हॉल में, तो ये कंडीशन सस्टेन नहीं रह पाती। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस सस्टेन्ड होने का मीनिंग ये है कि जहाँ जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पर मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ मैक्सिमा ही बना रहे, यहाँ मैक्सिमा ही बना रहे, अब भी, अब से दो सेकंड बाद भी, अब से दस सेकंड बाद भी, अब से एक घंटे बाद भी। जिस पोजीशन पर मिनिमा बन रहा है वहाँ लगातार मिनिमा ही बना रहे, मिनिमा ही बना रहे, अब भी, अब से 10 सेकंड बाद भी, अब से 2 मिनट बाद भी, अब से 10 मिनट बाद भी, अब से 2 घंटे बाद भी। और ये कब बना रहेगा? मैक्सिमा वाली पोजीशन पर हमें मैक्सिमा ही कब बना रहेगा? जबकि यहाँ पहुँचने वाली दोनों वेव्स के बीच मैक्सिमा बनने की ही कंडीशन फुलफिल हो, यहाँ पहुँचने वाली दोनों वेव्स के बीच मिनिमा वाली कंडीशन ना बन पाए, मैक्सिमा वाली ही कंडीशन लगातार बनी रहे।
अगर यहाँ पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस जीरो है तो जीरो का जीरो ही बना रहा है, अब भी बना रहा है, आगे ही बना रहा है, टाइम के साथ इसको चेंज नहीं होना, टाइम के साथ इस कंडीशन को क्या चेंज नहीं होना, तब हम कहेंगे कि कंडीशन सस्टेन कर रही है, इंटरफेरेंस सस्टेन कर रहा है। मुझे याद नहीं है क्या ये आपको एक डेरिवेशन कराई है जिसमें कि हम ये कंडीशंस फाइंड करते थे मैथमेटिकली, हैं कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, ये वाली डेरिवेशन कराई है ना आपको? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पहले तो अब से 5-7 साल पहले तक ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आया करती थी, लेकिन पिछले 5-6 साल में ही 2-3 बार ये डेरिवेशन आ गई कि सस्टेंड कंडीशन के लिए आपको प्रूव करना है क्या कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग सेम लाइन पाथ हो और साथ ही साथ एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो सस्टेंड इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है? सस्टेंड इंटरफेरेंस का मीनिंग यह है कि किसी भी एक पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा बनने वाली कंडीशंस टाइम के साथ चेंज ना हो। जहां मैक्सिमा बन रहा है, टाइम बीतने के साथ साथ यहां मैक्सिमा बनने वाली कंडीशन ही बनी रहे, यहां मिनिमा बनने वाली कंडीशन डेवलप ना हो। जहां मिनिमा बन रहा है वहां टाइम के साथ साथ ये मिनिमा बनने वाली ही कंडीशन मेंटेन रहे, यहां मैक्सिमा बनने वाली कंडीशन डेवलप ना हो जाए, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे इंटरफेरेंस सस्टेंड है। करेक्ट, इंटरफेरेंस सस्टेंड है। और सस्टेंड इंटरफेरेंस के लिए आपने पहले भी कंडीशन आपने फाइंड कर ली है, जो दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक पाथ, एक फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कांस्टेंट बना रहना चाहिए, टाइम के साथ साथ चेंज ना हो। क्लियर हुई बात? तो सस्टेंड के लिए कंडीशन हो गई। और ऐसे दो सोर्सेज जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर ले, ऐसे दो सोर्सेज जिनसे निकलने वाली वेव्स के बीच फेज डिफरेंस लगातार कांस्टेंट बना रहे और जिनसे निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। यहाँ कंडीशन में वर्ड अलग अलग है, अक्सर लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस सेम, क्या लिख देते हैं कंडीशन में, फेज डिफरेंस शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट, एक वर्ड इधर से उधर किया और खत्म हो गया आपका कमांड, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, मस्ट सेम, क्योंकि सेम हुए बिना काम नहीं चल पाएगा। अगर स्लाइटली भी डिफरेंट हो गई फ्रीक्वेंसी में, 1 हर्ट्ज का भी डिफरेंस आ गया, तो फिर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस सस्टेन नहीं कर पाएंगी। आइडेंटिकल होनी चाहिए फ्रीक्वेंसीज, मस्ट, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम एंड पाथ डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ, पाथ डिफरेंस जीरो होने जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी पाथ डिफरेंस है, जो भी फेस डिफरेंस है, एक्चुअली पाथ डिफरेंस भी नहीं, हमें मतलब है किससे, फेस से। वो फेस क्यों डिफरेंस हो रहा है, फेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, पाथ डिफरेंस के कारण फेस आ रहा है या किसी और कारण से फेस आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं हमें। अल्टीमेटली कॉज क्या है, फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस कांस्टेंट बना रहना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब दो ऐसे सोर्स जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दें, सोर्सेस का एक ऐसा पेयर जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दे, क्या कि दोनों से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों से निकलने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना हुआ है, ऐसे दो सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस वो है जिनसे निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और निकलने वाली वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे। ऐसे दो सोर्स जिनसे निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनसे निकलने वाली वेव्स के बीच फेस डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे, ऐसे दो सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं।
तो ये दो असेंशियल कंडीशन है कोहरेंट सस्टेन इंटरफेरेंस की। कुछ नॉन असेंशियल कंडीशंस भी हैं, थोड़ा सा उनको भी हम समझ लेते हैं। ये हमारा बना मैक्सिमा और यहां बना मिनिमा। मैक्सिमा जहां बना वहां इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, जहां मैक्सिमा मिनिमा बना वहां इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ इस हॉल में जो दो आपके सोर्स रखे हुए साउंड के, इनका आप इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप हॉल में जगह जगह चले, आपने एक जगह जा करके साउंड की इंटेंसिटी मेजर करी, साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है, वहाँ रखा, आपने देखा कितनी इंटेंसिटी, दूसरे पॉइंट पर गए फिर देखा कितनी इंटेंसिटी, तीसरे पर गए कितनी इंटेंसिटी। आपको मैक्सिमा और मिनिमा डिस्टिंग्व क्लियरली कब डिस्टिंग्विश हो पाएंगे, तब डिस्टिंग्विश हो पाएंगे जब एक जगह तो इंटेंसिटी आपको बढ़िया तगड़ी सी इंटेंसिटी मिले और कहीं किसी दूसरे पॉइंट पर इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो मिले। जहां इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो मिल जाएगी वहां आप कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहां मिनिमा ही बन रहा है। किसी दूसरे पॉइंट पर जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां आप कंफर्म कर लेंगे क्या कि यहां मैक्सिमम बन रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कब हो पाएगा? देखिए, इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों सुपरइम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड का इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। यहां हम देखें, दो वेव्स को सुपरइम्पोज किया है, दो वेव्स ने सुपरइम्पोज किया है, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हैं। हो जाएगा इंटरफेरेंस, हो जाएगा, सस्टेंड भी रहेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं सस्टेंड होने की। यहां दोनों वेव्स ने एक दूसरे को अपोजिट फेस में इंटरफियर किया और इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। लेकिन हम, हो सकता है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच इतना डिफरेंस ही ना हो जिसे हम फील कर पाए। सस्टेंड हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, सस्टेंड हो रहा है, एक जगह इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, एक जगह इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन इस बढ़ी हुई इंटेंसिटी और घटी हुई इंटेंसिटी के बीच का डिफरेंस हो सकता है बहुत बड़ा ना हो। हो सकता है इसमें से एक वेव का एम्पलीट्यूड बिल्कुल छोटा सा था, एक एम्पलीट्यूड तो ये था रेड वाला, ब्लू वाले का एम्पलीट्यूड बिल्कुल छोटा सा था, तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सही, जरा मरा सी बढ़ेगी। यहां जरा सा हल्का सा एम्पलीट्यूड था, ठीक है इंटेंसिटी घट गई, लेकिन क्या होगा, जरा मरा सी हल्की फुल्की घटेगी। हो सकता है इस बढ़ी हुई इंटेंसिटी और घटी हुई इंटेंसिटी के बीच हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। लेकिन अगर सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड इक्वल हुए, दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड इक्वल हुए, तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। दो वेव्स हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, ओके, पहली वेव और दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड उतना ही है जितना पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड। पहली और दूसरी दोनों जो सुपर इम्पोज कर रही, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, दुगना हो जाएगा इनका। इंटेंसिटी चार गुनी हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये आपका मैक्सिमा बन गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई, चलो कोई बात नहीं, यहां तो हमने इंटेंसिटी बढ़ी हुई देख ली। अब जहां कहीं भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी अपोजिट फेस में मिल रही है दोनों वेव्स, और दोनों मिलने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड्स कैसे हैं, सेम है, दोनों के एम्पलीट्यूड्स एग्जैक्टली सेम है। तो इस पार्टिकल को एक वेव ने तो ऊपर उठाया A1, और जितना इसने ऊपर उठाया उतना ही दूसरी वेव ने इसे नीचे खिसका दिया, तो रिजल्टेंट क्या रहा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आप इस बढ़ी हुई इंटेंसिटी और जीरो इंटेंसिटी के बीच तो आराम के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जहां आपको इंटेंसिटी जीरो मिल गई वहां कन्फर्मली मिनिमा बन रहा है, जहां आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, अलग अलग पॉइंट पर आप चेक करते रहे, जीरो वाली इंटेंसिटी आपने पता लगा ली कहां हो रही है, फिर आप अलग अलग पॉइंट्स पर चेक करते रहे, जहां आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी बनी वो लोकेशन हो गई मैक्सिमा की।
समझे, ये सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए नॉन एसेंशियल कंडीशन है, जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरे कान तो नहीं पता लगा पा रहे इस केस में कि कहाँ मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम इंटेंसिटी है, आपके कान ज़्यादा नए हैं, आपने पता लगा लिया, सर देखो तो सही यहाँ बन तो रही है मैक्सिमम, यहाँ बन तो रहा मिनिमम, आपको पता नहीं लग रहा। ठीक है भाई, मुझे पता नहीं लग रहा, ज़रूरी नहीं है एम्पलीट्यूड्स का इक्वल होना। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे तो फिर आसानी रहेगी क्या कि मिनिमा वाली पोजीशन पर इंटेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जानी है और इसका बहुत आराम के साथ पता लग जाएगा। हम इस मैक्सिमम इंटेंसिटी और ज़ीरो इंटेंसिटी के बीच क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, समझे। ये नॉन एसेंशियल कंडीशन है। ज़रूरी क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट फाज डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा हो कि अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स भी इक्वल हो जाए तो फिर ऑब्जर्वेशन लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, बस यही नॉन एसेंशियल कंडीशन है और ज्यादा डिटेल हम फिलहाल यहां डिस्कस नहीं करते। अब आते हैं हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, सीधे वहां आ जाए, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।